दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में, जो रिक्रूटमेंट आई है SSR और MR के बारे में। सबसे पहले SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए, तो 12th के परसेंटेज कितना होना चाहिए आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए और 50% ओवरऑल पास होना चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो एज तो आपको नोटिफिकेशन में भी दिख रहा था, ठीक है, वहाँ पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 तक के बीच होना चाहिए, और 30 अप्रैल और 1 नवंबर 2003 दोनों डेट जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब ऐड किया हुआ है, ठीक है। मतलब एक अक्टूबर जो लास्ट होगा वो आप नहीं कर सकते हैं, और 31 अप्रैल जो है वो 1 मई को, अगर 1 मई 2007 में जन्म लिए तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह MR में हम देखते हैं, अभी MR का आप देख रहे होंगे, ठीक है, कैंडिडेट्स जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, MR मतलब मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, ठीक है, मैट्रिक पे ही है, तो 50% आपका ओवरऑल होना चाहिए। दूसरा एज की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम है, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक, और बोथ डेट जो है वो इंक्लूसिव है। इसका मतलब 1 नवंबर के बाद का जो है, सॉरी, पहले का जो है डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का है तो वो इससे बाहर चले जाएंगे, और 30 अप्रैल 2007 के बाद का कोई जन्म का बच्चा भरना चाहता है तो भी आप बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब फटाफट इसके बारे में और डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों जय हिंद। ये नौसेना भर्ती जो इंडियन नेवी का है, SSR और MR का। SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और 10वीं का MR, ठीक है, मैट्रिक। तो आप देखोगे इसमें फटाफट, ठीक है, देखिए 13 तारीख इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 13 मई से, अगले एक हफ्ते के बाद, और 27 तारीख तक ये भरा जाएगा, ठीक है, इस महीने के आखिरी तक लगभग, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके भर दीजिएगा। डेट इसका जो एग्ज़ाम का फ़ी है वो ₹550 सभी कैटेगरी में, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से डिपेंड करता हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। उसके बाद इसमें डेट वैकेंसी जो है मैंने लिखा है कि क्या क्या डेट कब कब है, ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो SSR के लिए 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 तक के लिए है, ठीक है, और SSR, सॉरी, MR के लिए भी 1 नवंबर 2003 से लेकर 30/4/2007 तक है। ये इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए, आपको पहले ही बता दिया है इसमें कि डेट लिमिट जो है वो इतना ही होना चाहिए, और दोनों ही डेट जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब आप इसके बाद का और इसके पहले के भर्ती जो बच्चे जन्म लिए हैं वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 10th का और 12th का होना चाहिए। उसके बाद इसका जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। अग्निवीर रनिंग जो है वो 1600 मीटर का होगा, 6.5 मिनट का, ठीक है, ये नेवी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 8 मिनट, ठीक है। बाकी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, और अगर कुछ बात हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, या फिर इंस्टाग्राम पे आप जाकर पर्सनल हो तो लिख सकते हो। आज इतना ही। जय हिंद।